नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं आ चुका हूँ हुसैनगंज ब्लॉक में प्रतापपुर गांव, प्रतापपुर पंचायत में। प्रतापपुर पंचायत एक नया पंचायत बना हुआ है। ये जो गांव है पहले किसी और पंचायत में सम्मिलित था, लेकिन अब ये न्यू पंचायत बन चुका है प्रतापपुर पंचायत। बता दूँ कि फिलहाल अभी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है हुसैनगंज ब्लॉक में। प्रतापपुर गांव से, प्रतापपुर पंचायत से कई प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म भर के नॉमिनेशन करा चुके हैं। आज मैं इस बाज़ार पे आया हूं। प्रतापपुर बाज़ार है, एक नहर है, नहर के किनारे यहां पे बाज़ार है। यहां से मतलब चारों तरफ से रास्ता है, यहां से हर तरीके से लोग जाते हैं। अगर मैं बात करूँ चरमोहानी का, तो इधर से टेरी घाट से होकर यहाँ ये रास्ता आता है और ये मचकना की तरफ जाता है और हबीबनगर जाता है, सिंगारपट्टी जाता है, और ये प्रतापपुर गांव है, प्रतापपुर पंचायत में सम्मिलित है। ये नहर के किनारे बसा हुआ है प्रतापपुर गांव। और बता दूं कि ये अभी वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी लोग हैं जो नामांकन फॉर्म भर चुके हैं, अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं, यहां पे तमाम तरह के दर्शक निकल के आ रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग एक्टिव दिख रहे हैं। जैसे कि पता ही होगा आपको कि नामांकन फॉर्म में, नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे और अपना नामांकन फॉर्म भर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर प्रणाम, क्या नाम आपका? मुक्तम अली। आप ये बताएं किस पंचायत से बिलोंग करते हैं? पकोलिया पंचायत। पकोलिया पंचायत तो नहीं, मतलब पुराना वाला पकोलिया पंचायत कट गया है। प्रतापपुर पंचायत आपका हो गया है? प्रतापपुर। आप गाँव कौन सा आपका? प्रतापपुर। प्रतापपुर, प्रतापपुर आपका पंचायत अब हो चुका है, पहले पकोली पंचायत में था। इस बार नया पंचायत बना हुआ है, तो इस बार किस तरह से विकास चाहते हैं अपने पंचायत में? बहुत सारे नए प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, तो कैसे विकास चाहते हैं? रोड, नाला, यही सब, और क्या, स्कूल। विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद लग रहा है कि नए प्रत्याशी आए हैं, बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हम यहाँ रहने वाले हैं। कहाँ घर है? कोलोनीपुर। कोलोनीपुर कौन सी पंचायत है? मड़कन। मड़कन पंचायत है, तो मड़कन पंचायत के बारे में बताइए कुछ, वहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या बदलाव चाहते हैं? ना, वहाँ तो विकास हुआ है। हुआ है। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, बैठे हुए हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं तमाम अपना यहाँ पे, और बाजार रही है और लोग अपना बाजार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या नाम आपका सर? मोहम्मद अबू बकर। पंचायत के हैं, प्रतापपुर पंचायत। प्रतापपुर पंचायत। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारे लोग नॉमिनेशन करा चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह से पंचायत का विकास होना चाहिए? ये पब्लिक जानती है ना, पब्लिक जानेगी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पब्लिक तो अभी ना है, अभी तो जनता वोट देंगे ना। हम प्रत्याशी हैं। अच्छा, प्रत्याशी है, किस चीज के प्रत्याशी? चलिए, एक बीडीसी प्रत्याशी जुट चुके हैं, अचानक मुलाकात हुआ इनसे। ठीक है सर, बट बीडीसी प्रत्याशी हैं, तो आप हो सकता है कि मुखिया को कोई भी वोट देंगे, वार्ड को देंगे, सरपंच को देंगे, तो आपने कहीं जनता भी है सर, प्रत्याशी होने के बावजूद भी आप जनता भी हैं, तो हम बात करेंगे। आप बीडीसी प्रत्याशी हैं सर, तो पहली बार लड़े क्या? नहीं, दूसरा बार। दूसरी बार, तो क्या चाहते हैं, मतलब पंचायत में किस तरह से विकास हो, क्या माहौल आए, किस तरह से लोग का जो सुविधा है जो उसको मिलना चाहिए? अभी तक पहले जो भी हुआ है सब अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। इस बार ने आप आ रहे हैं बीडीसी का चुनाव लड़कर, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं? जीतेंगे तो पब्लिक के ऊपर है ना, कि जीतेंगे कि हारेंगे ये पब्लिक जानती है। पब्लिक जानती है, लेकिन आपको विश्वास लग रहा है इस बार कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आपके पक्ष में है? इंशाल्लाह, पब्लिक जानती है कि हाँ जीतेंगे। चलिए, युवा जुड़ा करते हैं, क्या नाम अभी सर? जफरुद्दीन खान। क्या लगता है इस बार पंचायत में क्या विकास होना चाहिए? पंचायत में थोड़ा विकास हुआ है, और जो बाकी है वो मैं प्रतिनिधि जो भी जीतेंगे, जीत के आएंगे, उनसे मैं विकास करने की मांग करने। कैंडिडेट मुखिया पद में उठ चुके हैं, पता है आपको? चार, पाँच, छः, सात, आठ उठ चुके हैं। आठ मुखिया प्रत्याशी। क्या लगता है, किसी का नाम बता सकते हैं क्या? नाम बताने से क्या, आठ आदमी है। आपको क्या लगता है सर, बाबा जी आपको क्या लगता है, आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं? प्रतापपुर से। प्रतापपुर पंचायत में अब तक विगत 20 वर्षों में क्या विकास हुआ है? तो सामने ही पब्लिक को सामने ही में दिखाई दे रहा है, है। आपको लगता है विकास हुआ है? बढ़िया से हुआ है ना। इस बार क्या चाहते हैं, इस बार पंचायत की जनता से क्या चाहते हैं? अभी तो पंचायत तो छट गया है ना, अभी
अभी तो होगा प्रतापपुर नया पंचायत बना हुआ है, प्रतापपुर गोसेपाली माइंड टोला मिला के पंचायत नाम हुआ है, प्रतापपुर के नाम से नामकरण हुआ है। तो इस बार मतलब वही पूछना चाहता हूँ कि इस बार नए आदमी को चुनना चाहते हैं आप लोग? अब 7-8 आदमी के बीच है, अब जिसका भी बढ़िया फील्ड होगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। जो जीतेगा वो अच्छा विकास करेगा, उम्मीद यही है। और भी जनता जुड़े हुए हैं, और बाबा जी जुड़े हुए, क्या नाम आपका? शेख सलाहुद्दीन। क्या लगता है अब की बार आप वोट देंगे? हाँ, कहे नहीं देंगे। कई वर्षों से वोट देते आ रहे हैं। हाँ, बहुत दिन हो गया हमको वोट देने का। महत्व क्या होता है? मत का होता है आदमी दान होता है, मतलब लोग अपने मत से मत दान करते हैं। कहा जाता है कि मत दान, मतलब मत से अपने विचारधारा को दान किया जाता है, किसी भी कैंडिडेट को दिया जाता है, किसी प्रत्याशी को मत दिया जाता है, दान दिया जाता है। तो क्या लगता है कि आप जो दान देते हैं, मत देते हैं, उस सही मायने में जो इसको देते हैं वो अब तक काम किए हैं या आने वाला कल लोग करेंगे? हाँ, जो भी आया है मैंने आता है, जो भी आता है तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही देता है लोग। देखिए अब रोज के रोज कोई 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 उठे कहीं भी काम नहीं करेगा ना तो पब्लिक 5-5 साल पर उनको कहेगा जाइए। अच्छा, सो जाइए। 5 साल मतलब 5 साल पब्लिक समझदार हो चुकी है। हाँ, वो बात नहीं रह गया है। बुलबुलौना में 5 साल देखेगी, दे दिया एक मरतबा अच्छा समझ कर कि ये काम कराएंगे कुछ, और नहीं तो 5 साल के बाद उनको कह देगा साइड में हो जाए। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब हम एक बार चांस देंगे 5 साल के लिए? हाँ हाँ, और क्या। हाँ, देखेगा आदमी, काम नजर आएगा तो ठीक है, दोबारा नहीं तो जाइए साइड हो जाइए। तो पहले के पंचायत में जो मुखिया जी थे जो भी है कुछ ना कुछ तो किया है, उस टाइम में मिलता ही का था, जितना मिलता होगा उसी में ना काम कराएगा। और भी जनता जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? कहाँ, किस गाँव से है? इसी गाँव से। क्या लगता है इस पंचायत में क्या विकास होना चाहिए? विकास का हाल हम नहीं जानते हैं, ये विकास का हाल नहीं जानते हैं। यहाँ पे और बुजुर्ग लोग हैं, क्या नाम है वाजिब का? मोहम्मद इम्तिहान। इस बार पंचायत में वोट देंगे आप? जी। वोट देने के बावजूद इस बार जनता से आप हैं, आप जी, वोट भी जी, देते जी, हैं। जी, जी, जी। जो लोग प्रत्याशी में खड़ा हो रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, बीडीसी वार्ड सरपंच मुखिया, मुखिया उनसे क्या अपील करते हैं? अपील हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो काम नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है पंचायत में? पंचायत नाला जो है सबसे बड़ा जरूरी है, जरूरी है नाला का, नाला का जरूरी है पंचायत में। इतने मतलब कितने नंबर वार्ड में आप कर रहे हैं? हम लोग 13 में। 13 में तो 13 नंबर वार्ड में नाला की जरूरत होती है आपको? जरूरत है नाला, पानी का। हम क्या है, कहाँ घर है जी? कहाँ घर है? घर से तो नाला की जरूरत है जी, नाला है। शौचालय की जरूरत? 5 शौचालय तो नहीं अभी तक हुआ है, अपना जो नीचे था वो है, अपना घर का जो बनाया हुआ है, बाद में शौचालय का पैसा वैसा नहीं मिला। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब सरपंच पद के वैल्यू भी बढ़ गया, सरपंच के वैल्यू भी सिंचाई के लिए आ रहा है, हाँ, रोड का आ रहा है, नाला का भी काम आ रहा है। सिंचाई वाला तो मिलता है, हम लोग तो गलत नहीं है, सिंचाई का मिलता है। इस बार मतलब आप लोग चाहते हैं कि हाँ कोई जो है जो प्रत्याशी अच्छा काम करे, बाबू किसी को भी अच्छा, किसी के नॉमिनेशन में गए थे आप? माँ हमारा लड़का बीडीसी से खड़ा। अच्छा, नॉमिनेशन में गया। आपके लड़के बीडीसी का है? हाँ। क्या नाम उनका? रियाजुद्दीन। होगा तो बीडीसी से देर लोग उठे हैं क्या? वार्ड से उठे हैं। अच्छा, वार्ड से उठे हैं। हाँ, 15 तक यहाँ है। अच्छा, सब में एक अकादमी। अच्छा, और उसके बाद जो है मुखिया सरपंच, और जैसे सरपंच पहले थे तो उनका जो ही भाई है ना रियाजुद्दीन, रियाजुद्दीन ना। चलिए, तो मिल सकते हैं क्या उनसे बात करने के लिए? चले मिलेंगे तो बात करेंगे। तो देखिए, मैंने बात किया प्रतापपुर बाजार पे, प्रतापपुर मोड़ पे था, और प्रतापपुरी बाजार यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, कई बाजार से, कई मतलब गांव से, पंचायत से लोग यहाँ पे आकर अपना बड़ बाजार करते हैं, और चारमोहानी है, और यहाँ पे तमाम तरह के लोग मैंने बात किया, और जनता से मैंने बात किया, और यहाँ पे और लोग जुड़े हैं, और लोग कुछ कहना चाहते हैं, उनसे हम उनसे कुछ मुखाबिद होते हैं, कुछ बात करते हैं। क्या इनका अपील, क्या नाम है सर आपका? हम नहीं बोलेंगे भाई। नहीं सर, एक बोले, ये गांव का मामला नहीं बोलेंगे इसमें। आप कहाँ के हैं? यही प्रतापपुर का है, प्रतापपुर पंचायत के गांव में, इसी में। हाँ, वोट तो देंगे सर? वोट देंगे, मतलब वोट देंगे, 5 को वोट देंगे, बीडीसी को देंगे, वार्ड को देंगे, सरपंच को देंगे, जिला परिषद को देंगे, 5 तो वोट देंगे। हाँ, तो 5 वोट देंगे तो आपके 5 मतलब एक पार अपना मत आपको क्यों बता दें भाई, हमारे गाँव का बात है। हम नाम नहीं पूछ रहे, नाम नहीं पूछ रहे, हम चाहते हैं सर की
इस बार अब बाहर रहते हैं, कमाते हैं, बोलिए मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ की जनता समझ सके कि जो पंचायत में विकास होता है, जैसे मेट्रो सिटी में जितना विकास होना था उतना विकास हुआ, जितना लोग चाह उतना किया, बाकी जितना विकास चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। 12 नंबर में विकास हुआ है वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में 13 नंबर विकास थोड़ा सा हुआ है, 11 नंबर में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नल का मतलब जो काम हुआ है बेहतर हुआ है, जल नल योजना हमारे गांव में जो भी है सही नहीं है, अभी काम चल रहा है उसका, काम चल रहा है, वो हो सकता है दो महीने 4 महीने के बाद बेहतर हो जाए, अभी नहीं है। तो इस बार जो भी प्रत्याशी लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं, क्या बात करते हैं? जो अच्छा हम लोग जिताएंगे, अब देखेंगे कौन अच्छा कैंडिडेट है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे हम लोग, अपना अपना मत है, जो हमको अच्छा लगेगा जाएंगे और जीत करवाएंगे, तो उनसे क्या अपील करेंगे? वो विकास करेगा 5 साल देखेंगे, नहीं करेगा उसको फिर हटा देंगे, दूसरा देखेंगे। तो इस बार आप वोट देंगे? हाँ वोट देंगे। क्या बोलेंगे, बोलिए क्या नाम, क्या नाम का? हाँ विकलांग का अध्यक्ष है। विकलांग का अध्यक्ष है जी। कहाँ के? करहनु गांव है। करहनु गांव है, घर है, ठीक है, मचकना पंचायत के हम है। अच्छा, ठीक है, विकलांग का अध्यक्ष है। हाँ अच्छा, संजय राम हम है। संजय राम है जी। तो इस पंचायत में आप आए हैं? नहीं इससे नहीं, हम मचकना पंचायत में रहते हैं, ठीक है। हमारे मैंने गांव का जो पंचायत का जो मुखिया है, ठीक है, सिंटू मुखिया नहीं किया है, ठीक है, मचकना पंचायत से, ठीक है। आप अगर आएंगे वहाँ, ठीक है, तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, उसके बाद पंचायत में आ जाएगा तो वहाँ पे दौरा किया जाएगा। अभी हम प्रतापपुर का दौरा कर रहे हैं, प्रतापपुर के दौरे में बात करेंगे। आइए पहचाने तो देख सकते हैं कि अभी प्रतापपुर पंचायत में हूँ और प्रतापपुर पंचायत का प्रतापपुर गाँव में हूँ और बाजार है। यहाँ पे जनता से मैंने बात किया और अचानक एक जनता मिले, वो अपना बात रखने लगे। उनका कहना है कि हम किसी और करहनु पंचायत में हैं और करहनु पंचायत के बारे में बताने लगे। तो अभी हम प्रतापपुर पंचायत के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ का जनता कहना है कि जनता का विकास हो। जनता कह रही है कि इस बार जो भी प्रत्याशी आए विकास के कामों में कार्य करें। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कौन बोलेंगे? चलिए आइए, और भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं, युवा लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि ये युवा लोग क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से पंचायत का विकास चाहते हैं। यहाँ क्या चाहते हैं? हम पहले ही बोल दिए भैया कि हमारा हम सोलोनेपुर गांव के हैं। सोलोनेपुर गांव? हाँ चलिए, सोलोनेपुर गांव के हैं। क्या नाम है भैया आपका? इस गांव के? नहीं, इसी गांव के। हाँ, इसी गांव के निवासी। पंचायत बोलिए ना, यही गांव का है। आप युवा भी वोट तो देंगे? हाँ वोट तो देने ही पड़ेगा। वोट देने के बाद से मैंने आपको अधिकार भी बोलने का, किसी से सवाल करने का, जो भी प्रत्याशी लोग उठ रहे हैं उनसे सवाल करने का। मान लीजिए आपसे कोई वोट मांगने आ रहा है, जैसे आपके द्वार पे आपके घर पे आएगा कि बाबू हमारे वोट तो दिया, तो आप क्या कहिएगा उनसे कि क्या डिमांड करेंगे? डिमांड क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग पंचायत में दूसरे जगह के मुखिया थे, ठीक है, जितना उनका फंड फंड आया हुआ उस हिसाब से काम हम लोग गांव में किए हैं। बस कुछ काम बाकी है, कुछ काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है साहब काम नहीं हुआ है। काम हुआ है। जैसे नए प्रत्याशी आएंगे, हम नए प्रत्याशी क्या डिमांड, क्या डिमांड बहुत सारा है, आप पहले जीतने दीजिए उनको, जीतेंगे तो ना। हाँ बोले हैं उसके पंचायत में 8 लोग उठ रहे हैं, हम समझ रहे हो, 8 लोग से मतलब नहीं है, 10 आदमी उठेंगे तो एक ही आदमी जीतेंगे। कहने का मतलब है कि अव्वल किसको मानेंगे? मतलब अव्वल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको किसको हम मान लें कि हम इसको ये जीत। हाँ जिसका दिल में अगर जो है ठीक ठाक लग रहे हैं, लग रहा है कि मेरा उम्मीद है कि आने वाले काल में इसको जिताएंगे तो अच्छा काम करेंगे, उसी को हम लाइक करेंगे। आदमी हैं 10 आदमी मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक आदमी को वोट हम लोग देंगे, जिसका हम सोचे हुए हैं उसका वोट देंगे, जिताएंगे। उम्मीद भी कुछ किए हुए, अभी तो पहले नया मुखिया के रूप में तो पहले आ रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद लगाए उनसे कि सारा काम कर ही लेंगे या सारा काम छोड़ ही देंगे। बस उम्मीद लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह अगर जीतेंगे। युवा होने के नाते पंचायत में जो कमी दिखता है तो उस कमी को, हाँ हम लोग देखिए मतलब कमी को हम लोग हमेशा उछालते हैं, कहते हैं पंचायत में माइंड टूट जाते हैं, इतना शौचालय के लोग रोडों पे निकल के आते हैं। शौचालय की ये सब मुखिया काम है, लेकिन ऐसा कुछ शौचालय हम लोग गांव में नहीं है। अब हम लोग के गांव से आउट मुखिया हैं, ठीक है, हम लोग रेनुआ पंचायत पहले था तो वहाँ का वहाँ पकौली है, तो रेनुआ के मुखिया थे, तो मान लीजिए वहाँ पे थे। अब उसका जो मर्जी आया वो काम किया, हम लोग बहुत बार उसको बोले भी हैं, कहे भी हैं,
अब कह सकते हैं अभी के डेट में नया पंचायत बनाओ तो वही ना बोल रहे हैं कि हम नया मुखिया भी बन रहे हैं। अब इंशाल्लाह जो आने वाले काल में होगा, हम खुद कैंडिडेट एक हैं 11 नंबर वार्ड से उठे हुए हम इस बार वार्ड बोल रही रहे वार्ड से लड़े हैं 11 नंबर वार्ड से जी हम खुद लड़े वार्ड पहली बार दूसरी बार फर्स्ट बार लड़े हुए हम फर्स्ट बार तो वार्ड का लड़ रहे हैं तो वार्ड से जो आपके वार्ड में जो थे अच्छा काम किए हैं। हाँ जितना आया फंड उतना काम किए हैं। हाँ। अच्छा तो पूरा मुकम्मल काम तो आज तक कोई ऐसा मुखिया नहीं चुका। मेरा नॉमिनेशन हुआ है, कब हुआ? तो फ्राइडे का दिन हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है आपका उम्मीद क्या लग रहा है? अब उम्मीद तो जानता है ना, मान लिया हम नॉमिनेशन कराए हुए हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग है साथ में बोल रहे हैं कि आप उठिए आपको हम वोट देंगे। अब सारा काम तो उम्मीद ही पे होता है ना, मान लीजिए कि हाँ तो और भी वार्ड मतलब में भी मतलब अभी तो आ रहा था 17 लाख रुपया, 13 लाख 14 लाख 15 लाख अभी तक आया था। हाँ। अब सुनने में आ रहा है कि 32 लाख 31 लाख रुपया आने वाला है अब इसके पहले जो वार्ड वाले हैं हम लोग का प्रेजेंट रूप में जो पहले थे। हाँ। अब जितना उनको फंड आया वो उतना काम कराया, कुछ काम बाकी है। अब जो आएंगे वार्ड वो कराएंगे, ऐसे थोड़ी हर वार्ड इंशाल्लाह जीतेंगे तो जो हाँ नया सोच है कि मतलब आएंगे तो कुछ काम जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। हम आए या जो भी और मेरे विपक्ष भी लोग हैं वो भी उठे हुए, जो भी आएंगे इसमें वो काम कराएंगे, जो काम बाकी होगा जो भी इसमें आएंगे काम कराएंगे। सारा लोग तो काम ही के मुद्दा लेकर उठते हैं ना, मुद्दे आपका भी मुद्दा काम का है, मेरा तो सबका काम का मुद्दा है, तो मेरा जो भी विकास काम चाहिए। स्कीम स्कीम आने का मतलब नहीं है ना कि स्कीम सरकार ये आ रहा है वो आ रहा है, स्कीम तो सब पेपर में छप के आ जा रहा है, शौचालय इतना बना उतना बना, धरातल पे कितना हो रहा है ये अधिकारी का काम है चेक करना। आपको भी पता है अधिकारी चेक करेगा तब ना, 12,000 रुपया शायद लेटरिन का आता है, मिलता कितना है किसी को पूछे? वही तो आप बताइए, आप जनता आप ही नहीं बताइएगा, आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिलता है किसी को 6,000, वो हमको पता ही नहीं है। अपील ठीक है, आप किस में आते हैं? अपील में रूटीन में आते हैं, ये तो हमको भी मालूम नहीं कि हम एपीएल में है कि बीपीएल में, हम गांव में है। राशन कार्ड मिलेगा? ना ना, हमारे तो एक जमाना हो गया ना, राशन कार्ड है, सरकारी कोई कागज नहीं है भाई, हमको चाहिए भी नहीं, आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड भी नहीं है। अधिकारी को सब जो अधिकारी का काम है चेक करना, वो चेक करे, जाँच करे, स्कीम जो आया तो जो भी प्रत्याशी है छोटा हो या बड़ा हो वो दिया या नहीं दिया उसका रिकॉर्ड जाँच करे, ठीक है। छोटा छोटा जैसा आपने अभी हमसे पूछा कि आप एपीएल में बीपीएल में, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा कार्ड किस चीज़ का है। ये कार्ड होना चाहिए, ये बीपीएल बीपीएल में मतलब ये भी देखे जीवन जीते हैं बीपीएल आते हैं बीपीएल में। हाँ, ये बहुत छोटा चीज़ है इसको, लेकिन सुनिए बता रहे हैं कुछ लोग का, हम वार्ड में हम ये सोचे हुए कि वार्ड में जीतेंगे, कुछ लोग का ज़्यादा लोग का नहीं, मतलब समझिए कि 85% लोग का राशन कार्ड है, एपीएल बीपीएल है, कुछ लोग का नहीं है, जो वो भी फॉर्म फिलअप किए हुए थे किसी कारण को वैसे कट गया है। अब जो आ रहे हैं मुखिया हैं वार्ड है सरपंच है जिसके माध्यम से इस बार सबका जो 85% है, 15% बचा हुआ है, वो भी पूरा काम होगा। देखिए काम हर वार्ड में कुछ ना कुछ बाकी रहता है, है भी, लेकिन रह गया बाद जिसका जो काम है बाकी है वो काम पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो गया कि 2 साल जो लॉकडाउन था इसमें कोई अधिकारी हो या कोई फंड हो, सारा फंड वहीं पर ब्लॉक हो गया था, मामला ये भी था। कार्ड है हम लोग का राशन वासन जो मामला है मिलता है, जिसका काम जिसका राशन कार्ड है उसका टाइम टू टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल बात है वो बता रहे हैं। हाँ 15% आदमी के नहीं है, 15% आदमी को मुखिया सरपंच जो भी आदमी कोशिश करेगा वार्ड आने वाले काल में जो बनेगा उसका बनवाएंगे हम लोग, कुछ काम बाकी है जो काम आदमी थी है। तो आपने देखा कि बात किया ग्राम पंचायत राज प्रतापपुर, और यहाँ पे मैंने बात किया कई पंचायत के लोग भी थे और मैंने एक ही मुद्दा बात किया विकास के बारे में। तो जनता का कहना है कि इस बार विकास के मामले में बात करना है, विकास चाहते हैं जनता, और जो भी लोग प्रत्याशी हैं वो चाहेंगे कि अपने गांव का अपने पंचायत का विकास करें। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।